हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आईफोन 6s के बारे में। आईफोन 6s 2023 के अंदर आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा नाम है मनीष और हमारे चैनल का नाम है अल्फेजेबल प्रो। एप्पल से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर सरप्राइज भी है और आईफोन 6s के बारे में बात करने वाले हैं। 6s 2023 के अंदर वर्थ इट है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस फोन का गिव अवे भी होने वाला है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो ये वीडियो के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे, तो पार्टिसिपेट भी जरूर कर लेगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आईफोन 6s के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर आपको 4.7 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, साथ ही आपको बड़े बड़े बेजल भी देखने को मिल जाएंगे। डिस्प्ले के इशू की बात करूँ तो कोई भी इशू मुझे इस डिस्प्ले के अंदर नहीं देखने को मिला, जबकि आईफोन 7, आईफोन 8, 8 प्लस, आईफोन 10 और आईफोन 11 तक भी एक LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छा है। डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई भी इशू नहीं देखने को मिला आईफोन 6s के डिस्प्ले के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात करते हैं iOS के बारे में। ये वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा वहां मैं आपको बोलूंगा, इसे स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आईफोन 6s जो है वो iOS 9 के साथ लॉन्च होता है, जिसे आप अपग्रेड कर सकते हो iOS 15.7 के अंदर। आगे कोई भी 16-17 के अपडेट इस फोन के अंदर आप नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं 15 के रिगार्डिंग, जो भी आगे सिक्योरिटी अपडेट होंगे वो एप्पल पुश करेगा, बट 16-17 कोई भी ट्रिक्स लगा के आप डाउनलोड इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके अंदर iOS 15 का लास्ट अपडेट है, तो एप्लीकेशन का सपोर्ट कब तक देखने को मिलेगा, जैसे WhatsApp वगैरह या BGMI जैसे गेम्स, तो आराम से 2-3 साल तक इस फोन के अंदर आपको इन एप्लीकेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा और जो भी सिक्योरिटी अपडेट होंगे वो एप्पल पुश करेगा। बट जिनको रेगुलर अपडेट्स चाहिए भाई और जिनको हर साल नया सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस करना है, तो वो लोग इस आईफोन 6s को बाय मत करना, क्योंकि इसके अंदर iOS 15.7 का लास्ट अपडेट है, यानी 15 के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होंगे वो लास्ट है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रैम एंड चिपसेट के बारे में। आईफोन 6s के अंदर आपको 2GB की रैम देखने को मिलती है और चिपसेट की बात करूँ तो A9 चिपसेट देखने को मिलता है। चिपसेट जो है वो एटलीस्ट में बात करूँ 14 नैनोमीटर बना है, एटलीस्ट ये फ़ोन है 7 साल पुराना हो चुका है। आज की डेट में हैवी यूजेज तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा, कहीं ना कहीं ये गेमिंग वगैरह करने के दौरान लैग और हीट भी हो सकता है, ठीक है। बाकी हम इसकी प्रॉपर गेमिंग टेस्ट की वीडियो अपलोड करेंगे, उस समय आप चेकआउट कर लेना रिजल्ट जो भी होंगे। बाकी प्रीवियस अगर आपको चेक करनी है 2022 की गेमिंग टेस्ट की वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो, बट हेवी गेम्स और हेवी मल्टीटास्किंग करने जाओगे तो ये कहीं ना कहीं आज की डेट में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा, हीटिंग इशू, लैग और ये चीज़ें फेस होगी। तो एटलीस्ट मैं बात करूँ जिन लोगों का लाइट यूजेस है बिल्कुल, वो लोग आज की डेट में इस फ़ोन को बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका हेवी यूजेस है तो इस फोन की ओर आपको नहीं जाना चाहिए, 2023 के अंदर आपका पैसा आपको बचा लेना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। ये भी इस वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। iPhone 6s के अंदर आपको 1715 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इस फोन का बैटरी लाइफ काफी घटिया है, ठीक है, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ एटलीस्ट, क्योंकि इस फ़ोन को मैंने यूज़ किया है और इतने सालों से रिव्यू दे रहा हूँ, इस फ़ोन का बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं है। और आज की डेट में जो आप आईफोन परचेज करते हो, 7 साल पुराने फ़ोन के अंदर कोई भी आपको न्यू बैटरी नहीं देखने को मिलेगी। एटलीस्ट जब कोई भी हम न्यू आईफोन खरीदते हैं 2-2.5 साल के बाद उस फ़ोन की बैटरी हेल्थ 80% पर रहती है और फिर हमें चेंज करवानी पड़ती है। तो क्या है, 7 मार्केट में जो फ़ोन मिल रहे हैं क्या इनके अंदर ओरिजिनल बैटरी पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। और कौन सा सेलर हमें 7-8 हज़ार रुपये के अंदर बैटरी डाल के दे देगा, ठीक है। तो जो बैटरी लगी होती है वो एटलीस्ट में लोकल ही होती है और उसमें बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं देखने को मिलता है। अगर आप ओरिजिनल बैटरी भी डलवा दोगे तो इस फोन का बैटरी लाइफ अच्छा नहीं है। इस फोन के अंदर मेरी ओरिजिनल बैटरी ही लगी है, इसका बैटरी टेस्ट का वीडियो आपको जल्दी चैनल पर देखने को मिलेगा, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। जिन लोगों का हैवी यूजेज है उनको ये फोन बाय नहीं करना चाहिए, ठीक है, निराशा ही आपको मिलने वाली है। और बाकी बिल्कुल लाइट गेम्स प्ले करनी है, सेकेंडरी डिवाइस जैसे कॉलिंग वगैरह के लिए लेना है तो फिर ले सकते हो आपके रिस्क पे। बाकी इस फ़ोन का बैटरी लाइफ इतना अच्छा नहीं है, यही बोल देता हूँ मैं, ठीक है, ज़्यादा उम्मीद मत करना। अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन के गिव अवे के बारे में। तो गिव में से कोई भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना है। जो भी आप इस फ़ोन के रिगार्डिंग कमेंट करना चाहते हो, चैनल के रिगार्डिंग जो भी कमेंट करना चाहते हो वो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर जाकर आपको फॉलो करना
करना है और इस वीडियो पे 10,000 लाइक अगर आ जाते हैं, चाहे कब भी है उस दिन मैं लाइव आके इसका रिजल्ट निकाल दूंगा। बाकी हमारा आईफोन 5S का गिवे चल रहा है, आईफोन 6 का चल रहा है और ये थर्ड गिवे आ चुका है आईफोन 6S का। तो आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकते हो, जो भी ये टारगेट मैं आपको बता रहा हूँ वो अगर पूरा हो जाता है तो उस दिन लाइव आके मैं रिजल्ट निकाल दूंगा। कोई आप में से एक जो होगा उसके घर पे ये हेडफोन जो है भिजवा दिया जाएगा। फ़ोन ओरिजिनल है, फ़ोन के अंदर बैटरी भी ओरिजिनल है, आप सर्विस सेंटर पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इतना मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ। बिल बॉक्स डिब्बा सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस फ़ोन का, जो भी विनर होगा उसको। बात कर लेते हैं इस फ़ोन के कैमरा के बारे में। आईफोन 6S के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का ड्यूल LED ड्यूल टर्न फ्लैश के साथ बैक कैमरा देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 4K 30 FPS में आप शूट कर सकते हो। और कैमरा क्वालिटी की बात करूँ तो ठीक ठाक या डिसेंट बोल सकते हो, इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा इस फ़ोन के कैमरा को मैं। बाकी कैमरा टेस्ट की सीरीज़ आएगी तो उसके अंदर आप इसके सैंपल्स वीडियो चेकआउट कर लेना। ठीक है, सेल्फी कैमरे की बात करूँ तो 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है इसके अंदर। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ सेल्फी कैमरे से तो 720p FPS में आप शूट कर पाओगे। ठीक है, 1080p में भी नहीं है और 4K तो बोल जाओ फ्रंट कैमरे से। तो बिल्कुल जिनका नॉर्मल यूजेज ज़्यादा कैमरा वगैरह फोटोग्राफी नहीं करते हैं उनके लिए ठीक है, बट आप पोर्ट्रेट शॉट वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो वो इस फ़ोन के अंदर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इसके अंदर वो फीचर ही नहीं मिलते हैं। तो बिल्कुल ज़्यादा जो सेल्फी वगैरह नहीं खींचता है, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में कोई फोटो वगैरह क्लिक करते हो, ज़्यादा उम्मीद नहीं है आपको तो फिर ठीक है, वरना ये इस फ़ोन का कैमरा भी इतना अच्छा नहीं है मैं बोलूँगा। ठीक है, और बैटरी लाइफ भी इसका अच्छा नहीं है, सीधे से बोल रहा हूँ मैं आप। तो अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की स्टोरेज और कलर ऑप्शन के बारे में। तो इस फ़ोन के अंदर आपको जो बेस वेरिएंट है वो 16GB का देखने को मिल जाता है, जो आज की डेट में आपको बाय नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि 16GB का स्टोरेज है वो आपके लिए काफ़ी कम होगा। अगर आपको बाय करना है तो 32GB तक का आप बाय कर सकते हो। ठीक है, अब कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो कलर के अंदर आपको इसके अंदर बहुत सारे कलर देखने को मिल जाएंगे, ब्लैक, सिल्वर, गोल्ड, रोज़ गोल्ड वगैरह। कलर की बात करो रोज़ गोल्ड काफ़ी कलर अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्राइस और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग के बारे में। ये फ़ोन मार्केट में 8,000-10,000 रुपये तक देखने को मिल जाता है। अब अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये आपको सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड या फिर सेल बड़ी वगैरह जैसे सेलर हैं वो सेल करते हैं, इनके पास ये फ़ोन देखने को मिलेगा। बट ये फ़ोन जो आपको आज की डेट में देखने को मिलेगा एज ए रिफर्बिश्ड बोल सकते हो, इन फ़ोन का बैटरी चेंज वगैरह हुआ होता है और इन फ़ोन का अच्छा बैटरी लाइफ भी नहीं देखने को मिलता है। तो ये फ़ोन कब से डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, 7 से 8 साल इस फ़ोन को एटलीस्ट हो चुके हैं। मार्केट में जो भी मिलता है वो एक सेकेंड या रिफर्बिश्ड कैटेगरी का फ़ोन बोल सकते हो। न्यू तो आप बोल जाओ, न्यू नहीं मिलेगा। अगर कोई आपको न्यू दे के बोल रहा है तो एटलीस्ट वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। ठीक है, ये मैंने यह चीज़ क्लियर कर दी। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो का इम्पोर्टेंट पार्ट, ये फ़ोन किन लोगों को बाय करना चाहिए। आईफोन 6S एटलीस्ट जो है मैं उन लोगों के लिए सजेस्ट करूँगा जिनका बजट 7,000-6,000 रुपये है और बिल्कुल नॉर्मल यूज़ है उनका, कोई भी हैवी गेमिंग नहीं करना चाहते, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करते, एज ए सेकेंडरी फ़ोन कॉलिंग वगैरह के लिए लेना चाहते हैं और सिर्फ उनको एज ए आईफोन लेना है, बस एक शौक के लिए आईफोन लेना है, बिल्कुल बजट कम है, तो फिर इस फ़ोन की ओर जाना, वरना मत जाना भाई। ये फ़ोन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल के देगा। 7,000-6,000-5,000-6,000-7,000 रुपये बजट है तो, और आपको एप्पल का ही आईफोन लेना है तो फिर 6S ले सकते हो। बाकी मैं आपको ये फ़ोन 2023 के अंदर सजेस्ट नहीं करूँगा, बिल्कुल बजट कम है उनके लिए ये फ़ोन है। बाकी आप हमारे गिवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ में से कोई एक विनर होगा उसको ये फ़ोन दे दिया जाएगा। ओरिजिनल बैटरी, ओरिजिनल सब पार्ट्स ओरिजिनल है, कुछ भी चेंज नहीं है। 3 टूल्स में जाके आप चेकआउट करना जब भी आपको मिल जाए तब। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, कमेंट करना है चैनल के रिगार्डिंग या जिस फ़ोन के रिगार्डिंग, अगर आप जो भी करना चाहो आपके दिल से कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर जाके फॉलो करना है। इस वीडियो पर 10,000 लाइक आके उस दिन लाइव आके इसका रिजल्ट निकाल दूंगा। बाकी वीडियो आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर एप्पल से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग।